हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का प्रिंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और एक बार फिर से हम धमाकेदार आपके सामने क्लास लेकर आए हैं। तो आइए देखिए क्लास को और पढ़िए, बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। और पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दी जाएगी, किस टाइप से कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम। पहले तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं हम आज? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा पढ़ लिया था? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब उसके बाद में आपका जो भी टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब इसमें देखो, कंटिन्यूस का मतलब है प्रोग्रेस करना। क्या करना? प्रोग्रेस करना, मतलब कोई कार्य जारी रहना, कोई कार्य जारी रहना। तो यहाँ पे देखिए आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब है कि कोई कार्य भूतकाल में जारी था, कोई कार्य भूतकाल में जारी था। अब इसमें यहाँ पे ध्यान दो कि कोई कार्य लगातार जारी है, लगातार जारी था किसमें? भूतकाल में। अगर उसका टाइम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो वो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूस। अगर उसमें टाइम भी दिया हुआ है और कार्य भी जारी है तो किसमें आएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के तौर पर आप देख सकते हो, एनी एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। तो यहाँ पे देखो, कोई कार्य जो किसमें जारी था या चल रहा था किसमें? पास्ट टेंस में। किस टेंस में? पास्ट टेंस में। एंड और द टाइम वाज मेंशन, और उसका टाइम भी वहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कार्य भी चल रहा है और उसका टाइम हमें भी पता है। तो कौन सा टेंस आ जाएगा आपका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब इसमें ध्यान देना, अगर आपके लिए कोई कार्य जारी था किसमें? भूतकाल में, और उसमें टाइम नहीं दिया हुआ है तो किसमें आ जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में। अगर उसका देखो, कोई कार्य जारी था और उसमें टाइम दिया हुआ है तो आ जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। कौन सा टेंस में आएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखिए यहाँ पे कि इसकी जो डेफिनेशन है वो हो जाएगी, एनी एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट एंड द टाइम वाज मेंशन्ड, कि कोई कार्य भूतकाल में जारी था और उसका टाइम भी वहाँ पे दिया हुआ है, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा आपका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो अब इसमें चलते हैं आगे कि इसमें कौन कौन सी जानकारी हमें मिलेगी, क्या क्या नॉलेज मिलेगी, कौन कौन से रूल लगाने होंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे आसान तरीका है हमारे साथ में पढ़ने का, तो आइए जुड़िए। तो यहाँ पे देखो, जो भी आपकी क्लास होने वाली है बिल्कुल इजी मेथड से होगी, बिल्कुल इजी मेथड से। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके जो हिंदी से इंग्लिश वाले वाक्य बनेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर बनेंगे, उसकी पहचान क्या होने वाली है, और उसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, वो कौन कौन सी आएगी, और वो कौन कौन किस किस के साथ में यूज होने वाली है। तो यहाँ भी आइए देखिए, तो इसकी जो पहचान होगी, आइडेंटिफिकेशन होगी, तो सबसे पहले जानो यहाँ पे पहचान। क्या जानेंगे हम आज? पहचान। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप, इस टेंस का आपका टेंथ वा पार्ट है, मतलब दसवा पार्ट है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहचान हो जाएगी आपकी रहा था, रही थी, रहे थे। तो इसके साथ में आपके आएगा टाइम प्लस से। क्या आएगा? टाइम प्लस से। पहचान तो आपकी आएगी रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपने देखा होगा पास्ट कंटिन्यूस में। किसमें? पास्ट कंटिन्यूस में। केवल ये पहचान, अगर उसमें टाइम नहीं दिया हुआ था तो वो बनेगा आपका पास्ट कंटिन्यूस में। अब हमने क्या जोड़ दिया इसमें? टाइम। क्या जोड़ दिया? टाइम। तो कौन सा टेंस हो जाएगा आपका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें देखना है आपको, जो पहचान आ रही है वो कंटिन्यूस की है और उसमें हमने क्या जोड़ा? टाइम। तो हो जाएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ पे देखिए कि आपको मैसेज हो रहा होगा, फीलिंग उठ रही होगी आपके मन में कि इससे कहाँ से आया और इससे के लिए हमें क्या करना होगा, वाक्य कैसे बनेगा। अब टाइम के साथ में से का प्रयोग, मतलब टाइम भी आएगा और से भी आएगा साथ में, तो ये इसकी पहचान है। तो पहचान क्या हो गई? रहा था, रही थी और रहे थे, और साथ में क्या आएगा? टाइम, और टाइम के साथ में क्या जुड़ा होगा? से। अब इस से के लिए हमें क्या यूज करना होगा? तो सबसे पहले आप देखते हैं यहाँ पे,
से के लिए, इस से के लिए आपको यूज करना होगा, क्या यूज करोगे, सिंस और फॉर, क्या यूज करोगे, सिंस और फॉर, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, पिछले वाली देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ लिया था, इसका यूज को किस टाइप से आपका सिंस का यूज होगा और किस टाइप से फॉर का यूज होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बार और पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिंस और फॉर ये लगेगा से के लिए, किसके लिए, से के लिए, और इसके बाद में क्या आएगा, टाइम। तो यहाँ पे देखो पहचान क्या आ रही है, राता, रही थी, रहते, और इसके बाद में टाइम प्लस से, मतलब टाइम के साथ में से आ रहा है। तो इस से के लिए आपको जोड़ना है सिंस और फॉर, क्या जोड़ना है, सिंस और फॉर। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आने वाली है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट में, कौन सी, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब थी, हैड, कौन सी थी, हैड। अगर हम उसके बाद में कंटिन्यूस लगाते हैं तो वो बनेगी आपकी हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैड बीन। तो यहाँ पे चलिए, आपके सामने हेल्पिंग वर्ब है, जिसे हो जाएगी आपकी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है, जो आपकी मुख्य क्रिया होती है मेन वर्ब, उसके अर्थ को परिवर्तन कर देती है, क्या कर देती है, परिवर्तन कर देती है और सही अर्थ स्पष्ट कर देती है, मतलब उसका अर्थ क्या कर देती है, स्पष्ट कर देती है, कि मतलब कौन सा कार्य जारी है, कौन सा कार्य हो रहा है, मतलब मुख्य क्रिया के तौर पर जो भी कार्य हो रहा है उसके अर्थ को स्पष्ट कर देती है, कौन सी क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी आपके हेड और उसके साथ में जोड़ना होगा आपको बीन, तो क्या बनेगी, हैड बीन। अब हैड बीन में देखो आपके बिल्कुल अकेली हैड, तो ये आपको जो भी लगानी है वो सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज करनी है, जो आपकी हैड बीन लगने वाली है वह ऑल सब्जेक्ट के साथ में लगेगी, कौन से सब्जेक्ट के साथ में, ऑल सब्जेक्ट के साथ में, ऑल सब्जेक्ट के साथ में यूज होने वाली है। अब यहाँ पर देखिए कि हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है आपके सामने, अब इसके बाद में आपको रखनी मेन वर्ब, कौन सी, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। अब आपको इसी से तो पता चलेगा कि कौन से कार्य हो रहा है, कार्य के बारे में यही जानकारी देती है, और इस कार्य का जो भी अर्थ है उसको स्पष्ट कौन करती है, सही अर्थ कौन बताती है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे देखिए जो मेन वर्ब है आपकी वो हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म, कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ में आपको जोड़ना होगा आईएनजी, क्या जोड़ना होगा, आईएनजी। अब आप देख सकते हो एग्जांपल के तौर पर, जैसे आप लिख सकते हो ईट, ईट के जोड़ा आपने आईएनजी तो क्या बना, ईटिंग, क्या बना, ईटिंग। एक और ले लो, जैसे आपके रीड है, रीड, इसके जोड़ सकते हो आप आईएनजी तो क्या बनेगा, रीडिंग, क्या बनेगा, रीडिंग। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसके पीछे आपको क्या जोड़ना होगा, रीडिंग, मतलब आईएनजी, तो क्या बन जाएगी, रीडिंग। यहाँ पे देखो रीड किस, क्या क्या जोड़ा आपने, आईएनजी तो क्या बना, रीडिंग, और ईट के बाद में आईएनजी तो क्या बनेगा, ईटिंग। इसी प्रकार से आपको इस टेंस में यूज करनी है कौन सी क्रिया, मेन वर्ब, वो भी फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी, क्या जोड़ना होगा, आईएनजी। तो ये हुई आपके बेसिक गाइडलाइन। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर कि इसमें सिंस कहाँ पे लगेगा और फॉर कहाँ पे लगने वाला है। तो आपने पिछली क्लास में जान लिया होगा कि सिंस का प्रयोग कहाँ पे करना है और फॉर का प्रयोग कहाँ पे करना है। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग, सिंस और फॉर का प्रयोग। अब सिंस का प्रयोग कहाँ पे होगा, किस दशा में होगा, किस स्थिति में होगा, तो हम जानते हैं आगे। तो सिंस और फॉर का प्रयोग, सिंस फॉर का प्रयोग, अब सिंस फॉर का प्रयोग हमने पहले जान लिया था कौन कौन से वर्ड्स के साथ में होने वाला है। अब डायरेक्ट देखते हैं हम सिंस का प्रयोग। अब सिंस का प्रयोग करना है आपको, ये लो आपका सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग, और इधर ले लेते हैं
फोर का प्रयोग, ये तो हो जाएगा आपका सिंस का प्रयोग, और इधर हो जाएगा आपका फोर का प्रयोग, मतलब यूज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो, अब सिंस का प्रयोग कहाँ पे करना है, किस दशा में करना है, फोर का प्रयोग किस दिशा में करना है, कौन सा टाइम आएगा तब करना है, और कौन सा टाइम आएगा तब आपको सिंस का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के लिए आपको किसका प्रयोग करना है, सिंस का। और फोर का प्रयोग आपका आएगा पीरियड ऑफ टाइम मतलब आज निश्चित समय के लिए, जिसमें हमें समय का पता नहीं है कि समय क्या दे रखा है, तो आएगा आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, सिंस का किस स्थिति में होने वाला है। एक तो लिखो आप पहले ओ क्लॉक मतलब बजे, इसके बाद में ले लो आप सप्ताह के दिनों के नाम। अब सप्ताह के दिनों के नाम क्या कहा जाएगा, जैसे मंडे, ट्यूजडे, पूरे आ जाएंगे आपकी ईटीसी, मतलब सातों दिन आ जाएंगे। अब यहाँ पे चलते मंथ, महीने, एक साल कितने महीने होते हैं, 12। अब उनके नाम क्या है, जैसे ले लो आप मार्च ले लो, कोई सा भी ले लो, अप्रैल ले लो, इसके बाद में पूरे जितने भी है, एक और है आपके मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये भी आ जाएंगे इसमें। अब इसके बाद में चलते हैं आगे, जैसे आपका सत्र सेशन होता है, सेशन क्या दिया हुआ है, जैसे आपके सामने है 2010, 2019, 1995, ये सब आ जाएगा आपके इसमें। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हम बढ़ते हैं आगे पीरियड ऑफ टाइम की ओर। तो आप लोगों ने जान लिया होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम किसके लिए यूज होता है, सिंस के लिए। अगर निश्चित समय तो क्या लगाओगे, सिंस, क्या लगाना है, सिंस। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, पीरियड ऑफ टाइम क्या लगाना है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए मतलब अनिश्चित समय के लिए, जिसमें समय का पता नहीं है, तो कौन सा समय है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा आपका मिनट्स, सेकेंड्स, हावर्स, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, ए लॉन्ग टाइम। इसके बाद में आ जाएगा मैनी, इसमें डे भी जोड़ो यार, डेज, तो मैनी डेज, ईयर, मंथ्स, वीक्स, ये सब किस में आ जाएंगे, हावर। तो ये इसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा, मतलब पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय की अवधि के लिए किसका प्रयोग करना है, समय की अवधि मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको क्या लगाना होगा, फोर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए निश्चित समय के लिए क्या लगाना होगा, सिंस। तो अब ये आपके सामने है, जो भी पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सब का प्रयोग आपको इन्हीं को देखते हुए फोर और सिंस का प्रयोग करना है। अब चलते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर की ओर, किस प्रकार से बढ़ने वाले हैं। तो आपके सामने सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर आता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस का, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है, पूरा का पूरा फोकस आपको बोर्ड की तरफ ही रखना है, और आपको साथ के साथ में लिखते भी जाना है, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके। तो आइए चलिए पढ़ते हैं हम आगे बेसिक स्ट्रक्चर, कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपका आता है आपके सामने अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस,
अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेज तो इसका देख लेते हैं, सकारात्मक वाक्य के लिए कौन सा फॉर्मूला बनने वाला है। तो चारों फॉर्मूले देख लेते हैं पहले कि कौन कौन से फॉर्मूले बनने वाले हैं यहाँ पे। तो अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमने अभी पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैड बीन। मेन वर्ब कौन सी आएगी थर्ड फर्स्ट फॉर्म के साथ आपके लगाओगे आईएनजी, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ वर्ब आएगी, मतलब आईएनजी जुड़ेगा। ये लिख लो आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ोगे। यहाँ पे लिखो फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, इसके बाद में आपका आएगा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद में आप लिख सकते हो जो भी आपके बाद में बचे अदर, वो चलता ही जाएगा। ये हो गया आएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है बनने वाला है। तो ये है आपका अफर्मेटिव, ये हो जाएगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब दूसरा बढ़ते हैं आगे नेगेटिव की ओर। तो ये पहले फॉर्मूले जान लेते हैं, सूत्र जान लेते हैं। तो अब इसमें देखना है होगा आपको, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाओगे तो तीसरे स्थान पर नोट जोड़ना है आपको। तो हेड और बीन दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या जोड़ना होगा, नोट। तो कौन सा बनेगा, नेगेटिव। तो इसमें देखो नेगेटिव के लिए क्या करना होगा आपको, देखो सब्जेक्ट पहले लिखो आप नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग करना है, तो कौन सा बनेगा, नेगेटिव सेंटेंसेज। अब इसमें देखना है आप, यहाँ पे जोड़ो और सिंस फॉर, क्या पढ़ रहे हैं, सिंस फॉर, और हो जाएगा आपका टाइम, ये बनेगा। तो इसमें देखना होगा आपको, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर जोड़ सकते हो, इसके बाद में सिंस फॉर प्लस टाइम, ये बना आपके नेगेटिव सेंटेंस के लिए जो भी फॉर्मूला यूज होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में चेंज करते हैं, इसको किस टाइप से करेंगे वो आपके सामने दिया हुआ है, उसी के माध्यम से आपको क्या करना होगा, वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने वाक्य आने वाला है, अध्यापक सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब इसमें ध्यान दो कि अब वाक्य कौन सा है आपका, अफर्मेटिव साधारण है, पहचान क्या आ रही है, रहा था, तो ये पहचान मिल गई आपको। अब देखो टाइम आ रहा है इसमें सुबह, कि कोई कार्य भूतकाल में लगातार जारी था, और उसमें अगर आपको टाइम दिया होता है, टाइम पता है, तो कौन से टेंस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो सबसे पहले जान लेते हैं सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपका सब्जेक्ट करता हो जाएगा अध्यापक, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाली है, हैड बीन, उसके बाद में आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना, उसके साथ में क्या जोड़ोगे आप, आईएनजी, फिर उसके बाद में लिखोगे आप ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगाओगे, सिंस फॉर। अब सिंस फॉर आपको लगाना है टाइम के अनुसार, कि पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है, और उसके बाद में आप लिख सकते हो टाइम। तो यहाँ पे चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट कौन सा है, टीचर, तो हो जाएगा द टीचर। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, हैड बीन, ये हो जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, क्या बनेगी, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप क्या लगाओगे,
मेन वर्ब के साथ में आएंगी। अब मेन वर्ब कौन सी है? टीच। तो यहाँ पर देखो टीच की क्या जोड़ोगे आप? आएंगी। तो क्या बनेगा? टीचिंग। क्या बनेगा भाई? टीचिंग। तो यहाँ पर सही सही देखते जाना है आपको, पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना है और किस टाइप से वाक्य बना रहा हूँ वो भी आपको देखना है और समझना है। तो यहाँ पर देखो द टीचर हैड बीन, क्या आएगा? टीचिंग। अब क्या पढ़ा है उसने? अंग्रेजी। तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश। अब कब से पढ़ा रहा है वो? सुबह से। अब सुबह से मतलब टाइम पिक से, टाइम दे रखा है आपको सुबह से, निश्चित समय है, सुबह से पढ़ा रहा है। तो उसके लिए क्या लगाओगे आप? सिंस। किसका? सिंस। अब सिंस किसके लिए आया? इससे के लिए। इससे के लिए आपको क्या लगाया? सिंस। तो यहाँ पे देखो कब से? मॉर्निंग से। तो ये आ जाएगा आपका मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब इसे आप नेगेटिव बना सकते हो। तो ये तो बना आपका अफर्मेटिव। कौन सा बना? अफर्मेटिव वाला सेंटेंस। ये बना आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। अब इसे बना सकते हो आप नेगेटिव। अब नेगेटिव बनाने के लिए आपका करना होगा, जैसे अध्यापक सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, तो इसको चेंज कर देना है, नोट लगाना है आपको हेड और बीन के बीच में। किसके बीच में? हेड और बीन के बीच में। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा? द टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस। तो ये बना आपके सामने नेगेटिव, और पिछला वाला था आपका अफर्मेटिव। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे देखना होगा आपको अफर्मेटिव सेंटेंस किस टाइप से बना और नेगेटिव किस टाइप से बना। अब आपके सामने एक और सेंटेंस दे लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे सेंटेंस देखिए, वह दो घंटे से मंच पर गाना गा रहा था। ये बनेगा गाना गा रहा था। तो यहाँ पे देखिए, इसको बनाना है आपको अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है। तो दोनों वाक्य आपको बनाना है यहाँ पे। तो इसमें देखना होगा इसकी पहचान क्या रही है। पहचान के साथ साथ अगर इसमें टाइम दिया हुआ है तो बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट कौन सा है, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, मेन वर्ब कौन सी यूज करनी है। अब देखते हैं, तो सब्जेक्ट कौन सा है? ही, लड़का है, आ जाएगा। मेन हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हैड बीन। क्या लगानी है? हैड बीन। अब हैड बीन के बाद में मेन वर्ब जरूर आएगी। तो मेन वर्ब क्या है? गाना। तो ये हो जाएगी आपका सिंग। उसके साथ में जोड़ोगे आप आएंगी, तो क्या बनेगा? सिंगिंग। तो देखो सिंगिंग सॉन्ग, ऑब्जेक्ट क्या है? गाना। तो सॉन्ग किस पर? मंच पर। तो ऑन द स्टेज। कब से? अब इससे के लिए आपको सिंस फोर का प्रयोग करना है। किसके लिए? से के लिए। अब यहाँ पे देखो टाइम, पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? तो दो घंटे से। कब से? दो घंटे से। अब घंटे आ रहा है तो आपको थोड़ी पता है कि कौन से दो घंटों से। तो ये किस में आ जाएगा? फोर। तो फोर टू हावर्स
अब इसे नेगेटिव बना सकते हो, वह 2 घंटे से मंच पर गाना नहीं गा रहा था। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, केवल नोट जोड़ना है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हेड और बीन के बीच में क्या जोड़ना है, नॉट। तो कौन सा वाक्य बनेगा आपका, नेगेटिव। तो ये लो, ही हैड नॉट बीन, यहाँ पे आई इंजोर जोड़ना है, बीन सिंगिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज फॉर 2 hours। ये बना आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद में हम चलते हैं किस बेसिक स्ट्रक्चर की ओर, तो होगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा बनने वाला है, कौन कौन से इसमें रूल्स लगने वाले हैं, वो आपको देखना है। अब इंट्रोगेटिव से नेगेटिव आपको बनाना है, तो दोनों फॉर्मूले यहाँ पे देख सकते हो। तो थर्ड नंबर पे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए, हमने पढ़ लिया था अफर्मेटिव और नेगेटिव, अब तो हमने अच्छी तरह से जाना और इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त की, और किस प्रकार से वाक्य बनाया, कौन कौन से रूल्स लगाए वो आपने अभी देखा होगा। तो यहाँ पे देखो, अफर्मेटिव वाक्य से आपको कौन सा बनाया नेगेटिव, और अफर्मेटिव से आपको कौन सा बनाना है, इंट्रोगेटिव। क्या करना होगा, उसमें आपको 2 शब्दों का चेंज करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को। सब्जेक्ट को तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर लाना है, और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में लाना है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट में क्या लगाओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या लगाओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या लगाओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब इसके बाद में चलते हैं हम आगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की ओर। अब इंट्रोगेटिव से ही आपको नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव से ही नेगेटिव। तो इसके लिए आपको नोट लगाना है, क्या लगाना है, नोट लगाना है तीसरे स्थान पर। तो अब यहाँ पे आपको बिल्कुल उसी टाइप से देखना होगा जिस प्रकार से आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाया है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे निकालना है, और नेगेटिव में क्या करना होगा, तीसरे स्थान पर नोट जोड़ देना है। बिल्कुल आपको इजी मेथड से पढ़ाया जा रहा है, और इसमें आपको अच्छी तरह से देखना है, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या राम 2010 से इस विद्यालय में इतिहास पढ़ा रहा था, हमें क्या देखना होगा कि आपका सेंटेंस कौन से टेंस का है, सेंटेंस कौन से टेंस का है, इसकी पहचान क्या है, पहचान है रहा था, क्या रही है, रहा था। और इसके बाद देखो, टाइम क्या रहा है, 2010 से, क्या रहा है, 2010 से, तो सब्जेक्ट कौन है, राम। हेल्पिंग वर्ब देखो, अब इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, हमें इंट्रोगेटिव, तो क्या बनेगा, हेड राम। अब हेल्पिंग वर्ब देखो, हेड आ गया, उसके बाद में क्या लिखनी है, बीन। अब बीन के बाद में देखो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी जोड़ना होगा, तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी है, पढ़ाना, पढ़ाना क्या बोलते हैं, टीच। अब टीच के जोड़ना है आपको आईएनजी, तो ये लो क्या बनेगा, टीचिंग। अब यहाँ पे देखो क्या लिखना होगा, टीचिंग। अब टीचिंग क्या पढ़ाया उसने, हिस्ट्री, तो ये लो हिस्ट्री, किसमें, इस विद्यालय में, तो ये हो जाएगा इन दिस स्कूल, ये वो आपका ऑब्जेक्ट था। अब इसमें देखो, से के लिए, इस से के लिए आपको क्या लगाना होगा, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। अब सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, यहाँ पे देखना होगा टाइम के अनुसार, पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या लगाओगे, फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस। अब यहाँ पे देखो,
2010, इसका मतलब सेशन आ रहा है, सेशन मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, तो क्या लगेगा सिंस, तो ये सिंस हो जाएगा यहाँ पे। अब टाइम क्या है 2010, यहाँ पे रख दो 2010, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। अब इससे आपको क्या करना होगा, नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव बनाना है, तो क्या करोगे आप, तीसरे स्थान पर नोट जोड़ना है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, देखो तीसरे स्थान पर नोट जोड़ दो, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, तो यह हो जाएगा आपका हेड राम नॉट बीन टीचिंग हिस्ट्री इन दिस स्कूल सिंस 2010, और पीछे लगा दो क्वेश्चन मार्क। अब ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कम समाप्त हो चुका है, और आपका जो पास्ट टेंस था वो पूरे के पूरे समाप्त हो गया है, और इससे अगले वाली क्लास होगी आपकी फ्यूचर टेंस की, कौन से टेंस की होगी, फ्यूचर टेंस की। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आप जो भी सुझाव देना चाहते हो वो आप कमेंट बॉक्स में देना है आपको, किसमें, कमेंट बॉक्स में। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।